बेटा सुन, सब्जी लेकर आनी है, ध्यान से सुनियो। 3 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, 1.5 किलो मेथी, 1.5 किलो लौकी, 2 किलो पालक, 1 किलो शिमला मिर्च, 2 किलो प्याज। ठीक है पापा, ओके, लिख के ले ले, याद रहेगा। अरे नहीं, मुझे याद रहेगा, इसको क्या लिख के लेके जाऊंगी। अरे यार, पापा ने 3 किलो प्याज मंगाया था, 2 किलो आलू कितने थे? 3 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज। पापा ने प्याज बोला भी था या नहीं बोला था? आपने प्याज बोला था क्या पापा? 3 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज, 1 किलो मेथी, 1.5 किलो लौकी, 2 किलो पालक, 1 किलो शिमला मिर्च। यार फिर से भूल गई, फोन कर देती हूँ। पापा सॉरी सॉरी सॉरी, लास्ट टाइम बता दो कैसे कैसे क्या क्या लाना था प्लीज। 3 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर। बड़ी देर हो गई, आई नहीं है। सब्जी लाई? नहीं, मैं सब्जी वाले को लेके आ गई, अब खुद ही जाके ले लो। हेलो भैया, एक बात बताना चाह रहा है, मेरे बिजली का बिल इतना ज्यादा कैसे आया? 12,000 रुपए। मैडम ज्यादा यूज किए होंगे ना इस बार बिजली आप। हाँ, आपने बोल दिया हमने बिजली ज्यादा यूज करी है, तो बिजली का बिल ज्यादा है। आप बोलेंगे कम यूज करिए तो कम आएगा, है ना? आपके कहने से मान जाएंगे। भैया बेवकूफ मत बनाइए, पढ़े लिखे हम, हमें भी पता है हमने कितनी यूज करी कितनी नहीं करी है। बाकी लोगों को बेवकूफ बना सकते, मुझे नहीं बना सकते। मैं बिजली का बिल भरने नहीं वाली इस बार का, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे आपने बिल किस हिसाब से कैलकुलेट किया। मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी बार पंखा खोला, कितनी बार एसी खोला, कितनी बार कूलर खोला। आपके जेब में जा रहा है सारा का सारा पैसा, अपने हिसाब से बिजली का बिल बढ़ाओ, अपने हिसाब से कम करो। आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए आपको करंट रीडिंग में से प्रीवियस रीडिंग माइनस करनी होगी, तब जाके आपका कंजम्पशन आएगा, यानी कि KWH। अब हमें रेट भी निकालना है, तो दो चीजों पर डिपेंड करता है, टैरिफ कैटेगरी और मंथली एनर्जी कंजम्पशन पर। अब जैसे कि मैडम आपने पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए मैडम आपको एनर्जी चार्जेस प्लस फिक्स चार्जेस प्लस ड्यूटी चार्जेस प्लस सर चार्जेस प्लस मीटर रेंट माइनस गवर्नमेंट सब्सिडीज ये करना पड़ेगा, तब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन मैडम आप पूछो कि बाकी सारी चीजें तो हमें इंटरनेट पर मिल जाएगी, लेकिन एनर्जी चार्जेस हमें कहां से मिलेगा? तो मैडम जैसे मैंने आपको बताया कंजम्पशन आपने निकाला, ठीक है, लास्ट डेट कब है इसकी, मैं भर दूंगी। हाय हाय, कैसी है? मैं बढ़िया, तू बता। तुझे पता मैंने तुझे कॉल करने से पहले 1000 बार सोचा था करूं या ना करूं। अच्छा तूने प्रिया को विश कर दिया? नहीं यार, एक तो ना दिमाग में 1000 चीजें चल रही होती है, कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा तुझे पता अनु का भी ब्रेकअप हो गया, मैंने उसको 1000 बार समझाया था तेरे लिए लड़का ठीक नहीं है, लेकिन मानी कौन सुनता है। ओके और तुझे पता सचिन ने भी अपनी जॉब छोड़ दी, मैंने उसको बोला था 1000 तरीके के लोग होते हैं, 1000 तरीके के मुंह होंगे और 1000 तरीके की बातें होंगी, कब तक सुनता रहेगा? छोड़ दी जॉब, ये तो है। अच्छा सुन, गोवा चलेगी? दिल्ली से सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर है गोवा, या थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा, बता ना। मम्मी नहीं आने देगी। तेरे पास ना बोलने के ना 1000 तरीके। दे दूंगी तेरे 1000 रुपए आज ही। कमी नहीं कहीं की कुत्ती, फोन रख। शुभम एक बात बताना जरा, इस रिलेशनशिप में मैं सिर्फ अकेली हूँ या तुम भी हो? नहीं तो फिर हर बारी कॉल मैं ही क्यों करती हूँ? जब भी कॉल करना हो मैं ही कॉल करूंगी, तुम्हारी साइड से कभी मुझे कॉल नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे तुम दुनिया की सबसे ज्यादा बिजी इंसान हो और मेरे पास कोई काम है ही नहीं। नहीं तो तुम्हारी साइड से भी कॉल आना चाहिए ना, मैं ही कॉल क्यों करूँ? आज तुम मेरी पूरी बात सुन लो, ये मेरी लास्ट कॉल थी, आज के बाद मैं तुम्हें कॉल नहीं करने वाली हूँ। तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम्हें खुद कॉल करनी पड़ेगी, मैं नहीं करूंगी। आई बात समझ में? हेलो। और हाँ एक बात और, जब भी कॉल करोगे 11 से 6 बजे के बीच में करना, उस टाइम पापा घर पे नहीं होते। और एक बात और सुन लो, तुमने अगर मुझे कॉल किया और मैंने फोन नहीं उठाया, इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं बिजी हूँ, तो दूसरे नंबर पे कॉल कर लेना। हाँ। और एक बात सुन लो, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ इस वक्त, मजाक नहीं चल रहा है, आ रही है बात समझ में? आ गई मेरी याद। अरे तुम्हें मिल गया, मैं तो बॉस को फोन कर रहा था, चलो बाद में बात करते। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर चैनल में, जहां हम आपको पल पल की खबर देते रहते हैं। और डिजिटल स्ट्राइक मारी गई है हिंदुस्तान की तरफ से चाइना पर, 59 चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए गए हैं देश भर में, खुशियों का माहौल ऐसा मान।
मानो सावन झूम गया है और सोफर मिश्री से मुंह मीठा कराया जा रहा है। मैं आपको बता दी चलूंगी कौन कौन सी ऐप्स हैं जो कि हिंदुस्तान में बैन होने वाली है। यूसी ब्राउजर, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, वंडर कैम, शेयर इट, क्लब फैक्ट्री, शीन, ब्यूटी प्लस, टिकटॉक, बस इससे आगे गूगल कर लीजिएगा आप। आज का खबरों का सिलसिला सिर्फ इतना ही। हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। बंद कर।